तो गाइज फाइनली गैलेक्सी M15 की सभी ऑफिशियल डिटेल सामने आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम गैलेक्सी M51 और गैलेक्सी A51 का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे गैलेक्सी A51 24,000 के प्राइस में आता है और गैलेक्सी M15 का प्राइस अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस भी 24,000 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं गैलेक्सी M51 और गैलेक्सी A51 के बीच में, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आपको किस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहिए। तो स्वागत है आपका KDC Red Tech पे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियोज़ देखते रहने के लिए। तो दोस्तों गैलेक्सी M51 काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आने वाला है और इसमें सैमसंग ने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्ले की। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये दोनों ही एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। जहाँ पर गैलेक्सी M51 आता है 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ, वहीं गैलेक्सी A51 आता है 6.4 इंच के डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ गैलेक्सी M51 में आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये दोनों डिस्प्ले सेम ही डिज़ाइन के साथ आती हैं। इन दोनों ही डिस्प्ले के सेंटर में पंच होल डिज़ाइन में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको एक बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद है तो आप गैलेक्सी M51 की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी परफॉर्मेंस में। जी हाँ, गैलेक्सी A51 में आपको Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि गैलेक्सी M51 Snapdragon 730G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 9611 के कंपेयर में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर गैलेक्सी M51 में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको गेमिंग करनी है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप गैलेक्सी M51 की ओर जा सकते हैं। और अगर आप गेमिंग नहीं करते और आपको डे टू डे यूज के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर Exynos 9611 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और वहीं इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6GB और 8GB के दो रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। वहीं अब अगर बात करें कि कैमराज की, तो गैलेक्सी A51 के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48MP के मेन कैमरा के साथ में 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 55MP के माइक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिलते हैं। जबकि गैलेक्सी M51 में 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 12MP के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में 55MP के माइक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गैलेक्सी M51 में सोनी का IMX682 कैमरा सेंसर दिया गया है, वहीं गैलेक्सी A51 में सोनी का IMX582 कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। तो आपको गैलेक्सी M15 की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। वहीं इन दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं अब बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरीज की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी M51 में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जबकि गैलेक्सी A51 में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा 3000mAh का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी M51 में काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A51। और इन दोनों ही स्मार्टफोन में 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दोनों ही स्मार्टफोन में USB Type-C पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है और ये दोनों ही स्मार्टफोन Android 10 और One UI 2.1 के साथ आते हैं, जहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं गैलेक्सी M51 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जबकि गैलेक्सी A51 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस सेम रहा तो डेफिनेटली आपको गैलेक्सी M51 की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।